सो फ्रेंड्स, आज लगभग 5 दिन हो गए हैं और हमारे यहाँ बारिश जो है रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। सच पूछिए तो अब मुझे चिंता होने लगी है अपने गार्डन की। बार बार ये लगता है कि गार्डन बचेगा भी कि नहीं, क्या सारे प्लांट मेरे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एक पल के लिए धूप नहीं निकल रही है और इतनी बारिश तो सच पूछिए तो सावन भादों के महीने में नहीं हुई और पितर पक्ष में ऐसी बारिश तो मैंने देखी ही नहीं। 5 दिन हो गए हैं, कंटिन्यू बारिश होती ही रहती है और धूप एक पल के लिए भी नहीं आती, तो बार बार चिंता रहती है। तो जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है मैं देखने आ जाती हूँ अपने प्लांट्स को। और फ्रेंड्स देखिए, ये गेंदा है कैसे गल गया है बारिश की वजह से, और बिल्कुल फ्लावरिंग पर था ये। और कई प्लांट मेरे गल गए हैं, जिसमें से जो गुलमेंदी है उसके कई प्लांट ख़राब हो गए हैं, और जो मेरे सब्जियों के प्लांट थे ये देखिए यहाँ पे कोचिया देखिए कैसे सड़ गया है पूरा, क्योंकि बारिश हो रही है और एक पल के लिए भी धूप नहीं आ रही है। और यही मेरी चिंता का कारण है और सबकी चिंता का कारण होता है जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और फिर इस तरह से कुछ होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ पर मैंने कुछ सीड डाले थे विंटर फ्लावरिंग प्लांट के, वो भी सब बर्बाद हो गए हैं। देखिए सैपलिंग निकली थी जो सब गल गई है, और कहीं ऐसी जगह नहीं है जो मैं ले जाकर इनको रख पाऊँ। तो आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है क्या इस तरह, कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर अनार है, देखिए फ्लावरिंग हैवी हो रही थी, इसमें हैवी फ्लावरिंग हो रही थी, और इस तरह की बारिश होगी तो ना एक भी फूल बचेगा ना फल बचेंगे, सब ड्रॉप हो जाएंगे। पर क्या कर सकते हैं, कुदरत के आगे हमारा तो कोई जोर नहीं है फ्रेंड्स। तो यही छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा आपसे दो बातें करके थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। और ये देखिए मेरे सब्जियों के जितने भी प्लांट थे सब में फ्लावरिंग हो रही थी, बैंगन है, भिंडी है, और कुछ भिंडियाँ यहाँ लगी हुई हैं तो तोड़ लेती हूँ, क्योंकि देखेंगे आगे क्या होगा, नफ़ा नुकसान तो लगा ही रहता है, फिर से मेहनत करनी होगी, क्योंकि जितनी बारिश हो रही है उसमें नुकसान होना तो तय है, पक्का मान के चलिए। और बैंगन में देखिए हैवी फ्लावरिंग थी, भिंडियाँ हैं यहाँ, ज़्यादा नहीं है, 4-5 भिंडी ही हैं और छोटी छोटी हैं, ये बाद में तोड़ लूँगी। और तो यही सब था, कहते हैं कि चिंता तो रहती ही है। और यहाँ पे देखिए मैं बैंगन दिखा रही हूँ, फ्लावर से भरा हुआ है और बैंगन भी बनने शुरू हो गए हैं छोटे छोटे से, ये देखिए हरा वाला बैंगन है। और सारे बैंगन के प्लांट मेरे इसी तरह हैवी फ्लावरिंग कर रहे हैं, और सेम में भी खूब फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन इस बारिश ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इतनी बारिश में एक भी फ्लावर जो है टिकेगा नहीं, सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे, और हो सकता है कि प्लांट भी जड़ से सड़ के ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये तरोई की बेल है देखिए फैलने लगी है, और इसमें भी बहुत सारा पानी था तो मैंने आके सब निकाला है। लगातार बारिश है, कितना पानी ड्रेन होके निकलेगा, कंटिन्यू बरसता ही रहता है और इस समय भी बरस रहा है हल्का हल्का, मैं किसी तरह से वीडियो बना रही हूँ। सच पूछिए तो बड़ी चिंता लगी हुई है मुझे अपने गार्डन की इस समय, क्योंकि बहुत दिनों की मेहनत है, बीज लगाओ और पल पल इंतज़ार करते रहो, अब बड़े होंगे और अब जब बड़े हो गए हैं, अब सब्जी होने लगी है, जब फल मिलने का टाइम है, तो बरसात ने नाक में दम कर रखा है सच में। और क्या बताऊँ मैं, कुछ हो भी तो नहीं सकता है, और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि इन प्लांट्स को जाकर नीचे रख दें, क्योंकि वहाँ भी इनका कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि सब धूप वाले पौधे हैं।
और इस समय लगभग लगभग सभी जगह बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है। देखिए गुल मेहंदी का प्लांट था पूरा गल के ख़त्म हो गया है, और इसी तरह अगर नहीं खुला तो और भी गलेंगे, ख़राब होंगे। तो मैंने सोचा तोड़ लेती हूँ, जो भी मिला हाथ लगा है ले लो मेहनत का फल। बाकी आके क्या होगा कैसे होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। बारिश कब तक चलेगी और कब तक ये समस्या झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट है जो कच उनको तो नुकसान हुआ है। और ये देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ प्लांट जो बड़े खुश भी हो गए हैं बारिश पाकर। और ये चंपा देखिए इसमें फ्लावर खिल गए हैं, और ये देखिए पट हो गया है पूरा। ये मिर्ची का प्लांट पूरा नीचे की तरफ झुक गया है और इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी, मिर्चियाँ लगने ही वाली थी। तो मैं इसको सपोर्ट देके फिर से खड़ा कर देती हूँ। और आप में से किसके यहाँ ऐसे ही बारिश हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं चलती हूँ नीचे इससे पहले कि और तेज़ बारिश हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते।